हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ठीक नहीं हैं, हम दोनों को बुखार हो रहा है बहुत ज़्यादा, हाँ और जी, हम दोनों दिन में डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर से दवाई लेकर आए हैं। और अभी तो दवाई से थोड़ा सा आराम है। और हम शिवांश ना बहुत दिनों से कुछ कुछ चीज़ें देख रहा था यूट्यूब में, जैसे कि एरोप्लेन्स वगैरह, क्राफ्ट की बहुत चीज़ें देख रहा था और बहुत जिद कर रहा था मुझसे बनवाने की। तो एक चीज़ कुछ कुछ तो वो बना ली थी मैंने, एक चीज़ उसने देखी जो कि हम बचपन में बनाते थे। पहले बचपन में हम गांव में बहुत बनाते थे, वो है क्रैकर, मतलब पटाखा। उससे पटाखे की आवाज़ आती है कागज़ से। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे कैसे बनाया और कैसे कैसे उसकी आवाज़ आती है, और बच्चों के लिए कितना अच्छा है वो घर पे ही खेलने के लिए। ये सिर्फ शिवांश की जिद थी। अब मुझे शिवांश की जिद इसलिए सही लगी क्योंकि हम भी उससे बचपन में खेलते थे और बहुत ज़्यादा खेल रखे हैं हम उसमें। हमारे जो भी कज़न्स वगैरह थे वो साथ में हम बनाते थे कागज़ से और उससे पटाखे फोड़ते थे, क्रैकर्स, मौसी मतलब भी हैंडमेड क्रैकर्स। हाँ, मौसी भी और सब, और हैंडमेड क्रैकर्स। अब देखो घर बैठे आपको पटाखे मिल जाएंगे तो बच्चों के लिए। और इसको बहुत वो है कि बोल रहा है कि बनाओ 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 करके। तो मैंने कहा मैं बना के दिखाती हूँ, और बना के दिखा रही हूँ इसको, तो मैंने कहा मैं शेयर भी कर देती हूँ साथ साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको प्लेन पेपर चाहिए, बड़ी नोटबुक या छोटी नोटबुक या किसी भी तरीके का प्लेन पेपर चाहिए, और इस तरीके का। अब उसको आपको फोल्ड करना है। देखो मैंने ये पेपर पहले से फोल्ड कर रखा है, इसमें निशान भी बने हुए हैं। तो एक तरफ से आपको इसको फोल्ड करते हुए जाना है, मतलब एक एक इंच के मार्जिन में। तो एक इंच का मार्जिन करना है एक तरफ से फोल्ड। जैसे ये ऊपर की साइड मैंने फोल्ड किया है, तो इसी का ठीक जितना ये हिस्सा फोल्ड हुआ है उसको नीचे की तरफ फोल्ड करना है। फिर जैसे ये ऊपर की तरफ फोल्ड हो गया ना, तो ठीक उसी मार्क पे फिर नीचे की तरफ फोल्ड करना है। बस यही करना है आपको, एक बार ऊपर की तरफ और एक बार नीचे की तरफ, ऐसे, और फिर से ऊपर की तरफ, जब तक कि वो हाफ में से थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन फिल मतलब फोल्ड हो जाएगा। इतना करना है आपको, जैसे आधा पेपर है ना, तो आधा पेपर से एक फोल्ड और लेना है, ठीक आधा फोल्ड से एक फोल्ड और थोड़ा सा जो ये खाली बचा हुआ है इसको ऐसे ही रहने देना है। फिर इसको बीच में से फोल्ड करना है इस तरीके से, लंबाई में। और लंबाई में फोल्ड करने के बाद जो ये वाला हिस्सा है आगे का, ये वाला हिस्सा, इसको नीचे की तरफ लाना है आपको। बस ये ध्यान रहे कि फटे ना, क्योंकि यहाँ से जब हम इसको टाइट फोल्ड कर देते हैं तो फटने के चांसेस भी रहते हैं। तो इसको ऐसे करके नीचे की तरफ लाना है, अंदर की तरफ, और ये रहा, यहाँ से पकड़ना है फिर आपको। अब इतना हिस्सा इसका बाहर रहना चाहिए, बस वो अंदर वाला दबे ना बस हाथ से। और इस तरीके से आपको इसको पकड़ना है, और अब प्रेशर के साथ अब इसको झटकेंगे तो ये आवाज़ के साथ जिससे पटाखे की आवाज़ आती है ना, ऐसे आए इस तरीके से। बहुत ही सुंदर, बस एक बार फूट गया, फिर आपको एक एक फोल्ड इसका खुल जाता है। जैसे ये एक बार इसका फटता है, उसका एक फोल्ड खुल जाता है, फिर आपको एक फोल्ड इसका करना है, और फिर आपको ऐसे सेम वो ये वाला पोर्शन है, इसको पकड़ के इसको ऐसे इतना बाहर रहे बस। और जब भी आप यहाँ से पकड़ेंगे तो बस ये ध्यान रहे कि ये वाला ना पकड़ा जाए। और बचपन में ये हम बहुत करते थे, बहुत मज़ा आता था हमको। फिर से उसका एक फोल्ड खुल जाता है और आपको उसका एक फोल्ड करना है, और आप चाहें तो आप दो फोल्ड और कर सकते हैं। बस ये है कि ये देखा आपने, इसको फोल्ड करो ऐसे ऐसे, तेज आवाज नहीं आई, पहले तेज आवाज आई थी, मेरी पूरी तेज और नहीं पीछे हो गई। ये आवाज कम, हवा ज्यादा कर रहा है। तो कैसा लगा आपको कमेंट्स में जरूर बताना, और हमारा ये क्राफ्ट कॉपी भी करना, अपने बच्चों के लिए भी बनाना। आप ये भी अपने बच्चों के साथ ये ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। लो, पता नहीं उस बालकनी तक आवाज आ रही है। लो हमें,
लो। हाँ हो रहा है, हो रहा है। कैसे करना? हाँ उल्टा फोल्ड करना। देखो मजा आ रहा है, यहां से थोड़ी कैसी लगी आपको वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये वीडियो मेरी पहले की है, काफ़ी दिन पहले बना ली थी मैंने, अपलोड नहीं करी थी कुछ वजह से, तो इसलिए आज कर रही हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।